हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये करंट अफेयर्स जो मैंने कंबाइन करके बनाया है पिछले 3 महीने का, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाय द वे, जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है ना, यू डोंट नीड टू वरी, आपको मैं हिंदी में जो है सारे क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ूंगा और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, एक नोटबुक आप जो आपकी आप कॉपी जिसे बोलते हो, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और सारे पॉइंट को एक एक करके लिखते जाइए। देखिएगा, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, ये जो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे करंट अफेयर्स के। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधे तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। और थैंक यू वाला मैसेज मुझे चाहिए होगा जब आप एग्जाम कंडक्ट करके आओगे, तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस एग्जाम से आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से देखिए क्या है क्वेश्चन, MCQ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हु लॉन्च द भारत आटा। भारत आटा जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो है लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा भारत आटा। अब देखिए, भारत आटा है यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम है, तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है, जो इसकी दाम है जो है वो बहुत कम होगा। देखिए यहाँ से आप देख पाओगे, 27.50 रुपये में आपको ये मिलेगा पर केजी। ये सब्सिडाइज आटा है, जैसे कि आपको सब्सिडी के तौर पर जो है राशन जो है गाँव में मिलता है अनाज, और इसके साथ साथ जो है उसमें गेहूं चावल भी दिया जाता है, कभी कभी जो है चना वगैरह भी दे दिया जाता है। कोविड के दौरान जो है सत्तू वगैरह भी लोगों को मिले हैं, अलग अलग जगहों पर चीनी वगैरह भी मिली है। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि किसने, वो जो मिनिस्टर हैं, किसने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है, इनिशिएटिव को, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। देखिए यहाँ से फोटो उनकी छिपा दी गई है, बट द राइट आंसर इज पीयूष गोयल साहब। यहाँ से आप जो है पीयूष गोयल हैं, इनकी आप फोटो देख पाओगे। इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा, मार्केट प्राइस जो है 32 से 34 रुपये है और इसे जो है 27.50 रुपये में दिया जाएगा, ठीक है। ये आटा जो है कुछ ही समय में आपको जो है ये सब्सिडाइज आटा मिलेगा। एक्चुअली इलेक्शन जब आते हैं तो इस तरह की स्कीमें जो है बाहर आती है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी कि किस शहर को जो है संगीत का शहर के अवार्ड से जो है नवाजा गया है यूनेस्को के द्वारा, सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से। हिंदी नाम में से जो है करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सिटी ऑफ म्यूजिक बहुत आसान सा है। तो देखिए इसका सही जवाब देखो क्या होगा, ग्वालियर। आप जो है घराना का नाम सुनते होगे, ये घराना वो घराना, तो वहाँ के जो सिंगर होते हैं ना, वो जो है अपने रिश्तेदारों को, साथ में अगल बगल के लोगों को वो सिखाते हैं, रियाज कराते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बाद जो है उन्हें जो है अपना जो है चेला बनाया जाता है, उसके बाद ये बहुत नाम कमाते हैं। इसलिए देखिए ग्वालियर में आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जो है म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए जो है इनको नवाजा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडिया अंडरटुक बोंगसागर 23। अब आपको बताना है कि ये जो कॉरपोरेट एक्सरसाइज हुआ है ना, ये बताना है आपको, नेवी की जो एक्सरसाइज है इंडिया ने किसके साथ कंडक्ट कराया था, ये जो युद्ध अभ्यास है बोंगो सागर। देखिए नाम से ही आपको जो है बंगाली वाला वाइब आ रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो सेक्सिस्ट या क्लासिस्ट होने की जरूरत नहीं है मुझे, बट मैं नाम में देखिए मैं आपको थोड़ा बंगला ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट हिंट के लिए मैं आपको बता रहा था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो तेज तर्रार लोग हैं ना, डेफिनेटली दे विल आंसर इन कमेंट सेक्शन, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बिम्स्टेक कंट्री जो है, कुल कितनी कंट्री है, आपको इसका जवाब देना है। दूसरा सवाल इसी से है, इसकी जो है जो फाउंडेशन ईयर है, यानी कि इसकी शुरुआत इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, और तीसरा सवाल है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसमें कुल कितने कंट्री हैं, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हेडक्वार्टर इसका कब है, आपको जो है टाइम भी बताना है, डेट बताना है एक्चुअली, ठीक है, डेट बताना है, और यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज हैं ये भी आपको जो है बताना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, चलिए यहाँ से जो है आप इसे देख पाओगे। देखिए 4th एडिशन है ये, इससे पहले 3 एडिशन हम लोग कर चुके हैं, और 5th एडिशन जो होगा वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विशाखापट्टनम में होगा। 5वां एडिशन के बारे में भी इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से आपके सामने रहा बहुत VVI क्वेश्चन। आपको पता है इसराइल और हमास के बीच में जो है लड़ाई चल रही है गाजा में। देखिए सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लेना। देखिए इसराइल जो है ना, इसराइल और फिलिस्तीन जो है
लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन जो है टू पार्ट में, एक्चुअली इसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर चुका है इसराइल, ठीक है। पहले वाला 1947 का नक्शा और अभी के राइट टाइम का मैप देखोगे तो बहुत जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसराइल ने क्या किया है, फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक में और गाजा में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब गाजा वाले क्षेत्र में जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां से लोगों को हटाकर जो है साउथ में शिफ्ट करा रहे हैं, कौन, इजरायली। इनका कहना है कि नॉर्थ में बहुत सारे जो है हमास के जो हमास को ये टेररिस्ट कंट्री मानते जो है टेररिस्ट जो है इंस्टीट्यूट मानते हैं, उनको कहा जा रहा है सभी आम लोगों को कि आप लोग जो है साउथ की ओर चले जाइए, यहाँ पे नॉर्थ में ये बमबारी कर रहे हैं, कौन, इसराइल के लोग। तो देखिए अरब लीग जो है इससे जो है इससे जो है क्या है कनेक्टेड है, तो अरब बोलने वाले जो कंट्रीज है ना उन्हीं का ये ग्रुप है अरब कंट्रीज। अब आपको बताना है अरब लीग जो है आपको कहाँ मिलेगा, किस इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे मिलेगा, इजिप्ट में मिलेगा, सऊदी अरेबिया में मिलेगा, यूएई में मिलेगा या फिर कतर में मिलेगा। तो देखिए इसका सही जवाब है इजिप्ट। यहाँ से आप जो है कुछ चीज़ों को देख पाओगे। सबसे पहले अरब लीग में 22 मेंबर्स हैं, ठीक है, और फाउंडर स्टेट के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए कौन कौन है, इराक आपको मिलेगा पहला, सऊदी अरेबिया मिलेगा, यमन मिलेगा, सीरिया मिलेगा, लेबनन, जॉर्डन और इजिप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको कौन है फाउंडेशन जो फाउंडर स्टेट है, और सबसे बड़ी बात 22 मेंबर यहाँ पे हैं, कितने 22 मेंबर हैं। अब देखिए कुछ और बातों को जान लेते हैं, अरब लीग है क्या, तो देखिए अरब लीग जो है जो अरेबिक जो स्पीकिंग अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, और ये 1945 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, कैरियो में, और कैरियो कहाँ है पे, इजिप्ट में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ये रहा, विच कंट्री हैज पुल्ड आउट, यानी कि किस कंट्री ने अपने आप को ट्रीटी ऑफ कंजर्वेशन आर्म फोर्स यूरोप से अपने आप को अलग कर लिया है। तो देखिए ये कंट्री का नाम है रसिया, यहाँ से आपको व्लादिमीर पुटिन की फोटो दिख रही होगी। इनका कहना है कि जब अमेरिका मुझे अलग थलग कर ही रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इनको जो है इसमें पार्टिसिपेशन करने से अमेरिका रोक रहा था, तो अब देखिए बात इज्जत की आ गई, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इस ग्रुप में नहीं रहने वाले हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और रसिया ने पुल आउट कर लिया अपने आप को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से मैं आपको जो है इसकी आर्टिकल को दिखा देता हूँ, देखिए रसिया फॉर्मली पुल्ड आउट ऑफ अ ट्रीटी ऑन कंजर्वेशन आर्म फोर्स इन यूरोप, जो है रसिया ने ऑफिशियली जो है इसे अपने आप को इससे अलग कर लिया है। यहाँ से जो है इसकी फोटो भी आप देख पाओगे, नाटो अलायंस कंडेम्ड रसिया विथड्रॉ फ्रॉम द सीएफई ट्रीटी। अब देखिए नाटो कौन है, अमेरिका को लेकर कुछ और कंट्रीज हैं, फिनलैंड इसमें हाल में ही जो है पार्टिसिपेट किया है, और आपको पता होना चाहिए रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ है ना उसका सबसे बड़ा जड़ जो है ये नाटो की मेंबरशिप है। रसिया चाह रहा था कि यूक्रेन इसका जो है मेंबर ना बने, और यूक्रेन जो है मेंबर बनना चाह रहा था, इसी के कारण दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 95th मेंबर, यानी कि 95वां सदस्य जो है इस इंस्टीट्यूट का कौन बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसे शॉर्ट में ISA कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिले होगा। यहां से आप देख पाओगे, वेट मैं आर्टिकल आपको दिखाता हूं, ये देखो चिले बिकम 95th मेंबर ऑफ ISA, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, देखिए इनका काम है ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका काम है कि हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को ठीक करें, हम लोगों के इकोसिस्टम की जो है धज्जियां उड़ चुकी है, और हम लोग कोशिश करें कि कम से कम कार्बन एमिशन हो और अर्थ जो है हील की ओर बढ़े, अर्थ की जो है हरियाली की ओर बढ़े, हीलिंग हो, यहाँ पे लोग जो है स्वस्थ रह पाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ 553 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो देखिए सबसे पहले ये अडानी कौन है, बिल्कुल आपने सही सम पहचाना है, यही हमारे वाले अडानी साहब है, ठीक है। अब अडानी जी का अपना एक बिजनेस है पोर्ट एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट इन्हीं जो पोर्ट है, बंदरगाह जिसे कहते हैं, इन्हीं के पास है। इंडिया में अलग अलग जगह पे पोर्ट है, और इनके एक पोर्ट पे गुजरात के एक पोर्ट पे जो है 32,000 का जो है ड्रग्स, करोड़ का जो है ड्रग्स मिला था, ठीक है। खैर किसी ने ले आया होगा, अब इन्वेस्टमेंट में कुछ अभी तक निकला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अडानी जो है अलग अलग कंट्रीज में भी जो है पोर्ट खरीदते हैं, इनका जो है कोयला का व्यापार भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात करते हैं श्रीलंका में इन्होंने जो है दो तीन जगह पे पोर्ट वगैरह की खरीदारी करी है। अब बोलोगे कि भैया अडानी इंडिया के पोर्ट ये खरीद रहे हैं तो यूएसए क्यों कूद रहा है इतने सारे इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे यूएसए का अपना हित है, देखिए यूएसए जो है यहाँ पे किसको काउंटर कर रहा है, चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। चाइना को जो है आपको पता है चम्बन, चाइना ने जो है हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका से जो है हड़प लिया है,
इसको लोन का ट्रैप जिसे बोलते हैं ना डेप्ट ट्रैप में फंसा करके चाइना से हमन टोटा पोर्ट कर लिया है। अब यूएसए जो है यहां से इस प्रोजेक्ट से जो है क्या करेगा, चाइना को चेक एंड बैलेंस के पोजीशन में रखेगा। यहां से जो है जो चाइना का एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस है, वहां पे जो है नजर रख पाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास 2023 ये होगा, आपको बताना है किस स्टेट में ये होगा, महाराष्ट्र में होगा, अलास्का में होगा, तमिलनाडु में या फिर कैलिफोर्निया में। तो देखिए इससे तो आपको डेफिनेटली एक चीज पता चल चुका होगा कि इंडिया और यूएसए जो है युद्ध अभ्यास करता है 2023 में, करने वाला है। और ये इसका जो राइट आंसर होगा, यहां से आप देखो ये दिख रहा होगा आपको अलास्का, यूएस में ये होगा। ठीक है, कहां पे होगा, यूएस में होगा। अगले साल फिर ये इंडिया में आ जाएगा, एक साल यूएसए की हम लोग जो है सॉइल पे करते हैं और इंडिया के सॉइल पे अगले बार किया जाता है। अगला सवाल देखो, द यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू इसे बोला जाता है एंड इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री जो है इसमें शामिल है, इसमें आपको इटली मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, फ्रांस मिलेगा और ब्रिटेन जो है ईयू से अलग हो चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। अब कहाँ पे ये होने वाला है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ, जो यहाँ से जो है आप फोटो देख लो, ये देख लो यहाँ से आपको जो है इसकी फोटो दिख रही होगी और यहाँ से देखो आपको ये दिख रहा होगा फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, और ये अक्टूबर की करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा, अब आपसे पूछा गया है क्या है सवाल, विच कंट्रीज वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द गोल्ड मेडल। जो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस महिला टीम ने जो है इसे जीता है, तो इसका सही जवाब है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने यहाँ पे इसको एशियन टीम का जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया ने अपने नाम किया है। अब ये हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा ये रांची यानी कि झारखंड में हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाएगा, देखिए बार बार आप क्वेश्चन को देखोगे, मैं पिछले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, विच प्लेस देखिए है ना, अभी फिर हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछा जाता है, तो प्लेस वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि रिसेंटली में पूछे गए हैं। विच कंट्री इज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। देखिए उस कंट्री का नाम आपको बताना है जो कि इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को जो है हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी यानी कि सभी को खाना मिल सके, और ये स्पेशली जो है उत्तराखंड में ये काम होने वाला है, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो देखिए यूएसए यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है, यूके भी नहीं कर रहा है, इसराइल भी नहीं कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे वो कंट्री है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है यानी कि यहाँ के पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता मिलती है उसका एक इंडेक्स अलग से निकाला जाता है, नॉर्वे आपको टॉप थ्री में मिलेगा। इसी तरह से सबसे पीस वाले कंट्री में जहाँ पे बहुत शांति है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता है, कोई वहाँ पे दुर्घटना नहीं होती है, तो वो कंट्री है नॉर्वे। सारे जगहों पे नॉर्वे मिलेगा। अब बोलोगे नॉर्वे में क्या बहुत सोना है या फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं या ऑयल है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्वे जो है टूरिज्म वाला कंट्री है और यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है जिस वजह से जो है ये बहुत आगे है। ठीक है, इंडिया और नॉर्वे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इंडिया अलग कंट्री है और नॉर्वे अलग कंट्री है, लेकिन हम लोगों को नॉर्वे की तरह बनना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां से आप फोटो भी देख पाओगे, नॉर्वे एड टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। यहां से आप देख पाओगे न्यू दिल्ली एंड नॉर्वे विल हेल्प फंड इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट, यानी कि यहां पे जो भूखे लोग सो रहे हैं उनकी मदद कौन करेगा, नॉर्वे मदद करने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट प्लेयर टाइम आउट। आपको पता है वर्ल्ड कप 2023 अभी भी चल ही रहा है, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि कौन से वो पहले प्लेयर हैं जिनको टाइम आउट यानी कि क्रीज पे पहुंचने के लिए देखिए 3 मिनट का वक्त जो है लिया जाता है। अब जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें क्या किया जाता है, 2 मिनट का वक्त जो है ये कर दिया गया था। 2 मिनट के अंदर अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो दूसरे बैट्समैन को, बैटर को आकर जो है गार्ड लेना होगा 2 मिनट के अंदर। अब ये 2 मिनट के अंदर आए या नहीं आए ये कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन सवाल है किस क्रिकेटर को टाइम आउट दिया गया है, तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को ये पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिनको टाइम आउट दे दिया गया है, कब, ओडीआई में या फिर वर्ल्ड कप भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड कप। अब यहां से देखिए कुछ और बातें जो क्वेश्चन सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सही जवाब हो गया कि टाइम आउट जो है आउट रूल के बारे में बताया जा रहा है, तो टाइम आउट जो है अंपायर जो है इन्होंने दिया है किसको, श्रीलंकन के जो ऑलराउंडर है एंजेलो मैथ्यूज, ये बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली एक सवाल यहां से छूट गया, खैर कोई नहीं, मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पहले बैटर थे कोई और थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अगर किन्हीं को पता हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में नीचे कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम बताइएगा जिनको जो है टाइम आउट दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, राफा बॉर्डर वीवीआई क्वेश्चन, प्लीज इसे प्लीज जो है इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक तो जरूर भेज दीजिएगा, कम से कम वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा इस टाइम स्पेन में ये जो है ये क्वेश्चन है। राफा बॉर्डर जो है आपको पता है ये जो है गाजा में सटा हुआ है, गाजा से
इस कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। वो कंट्री का नाम क्या है? यूएसए कनाडा, बिल्कुल नहीं, गाजा स्ट्रिप। मैंने अभी कहा ना गाजा, एक्चुअली गाजा और इसराइल के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं होता है, गाजा और इजिप्ट जो है इसको शेयर करता है। देखिए ये जो राफा बॉर्डर है ना, यहीं से इनको बहुत सारे ऐड मिलते हैं। अब ऐड मतलब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हो गई, और भी जो सामान है, दवाइयाँ हैं, और भी कपड़े वगैरह जो है यहाँ राफा बॉर्डर से जो है यहाँ पे भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है? गाजा में। और ये बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। अब बोलोगे राफा बॉर्डर एक्चुअली कंट्रोल में है इसराइल के, इसराइल ने कहा भैया यहां से ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट फेज टू ओपन फॉर द फॉरेनर, विदेशियों के लिए भी जो है नहीं खोलने के लिए तैयार है कि विदेशी को जो गाजा स्ट्रिप में फंस गए हैं या फिर इसराइल में फंस गए उनको ये भेज नहीं रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, पॉलिटिशियन ली क्विंग हैज पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ विच कंट्री, ये किस कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर थे आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ना मैं चाह रहा हूँ आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक वीडियो जो है डेडिकेटेड बनाया जाए सारे पॉलिटिशियन या फिर जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है उनके बारे में, कि उनकी जो हाल में ही डेथ हुई है उनके बारे में। तो देखिए हाल में इनकी डेथ हुई है, ठीक है, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा चाइना। ये चाइना के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो रह चुके हैं, और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल देखिए पासपोर्ट से है, विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियन टू ट्रेवल विदाउट वीजा, यानी कि इस कंट्री ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, वीजा की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट आप कैरी करोगे आप हमारे कंट्री में आ सकते हो। वो कंट्री जापान, बिल्कुल नहीं है। और याद रखिएगा जापान का जो पासपोर्ट है बहुत सबसे हाई लेवल पे था, एक्चुअली अभी थोड़ा इनका गिरा है पासपोर्ट इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे बात करें चाइना की, तो बिल्कुल चाइना इंडियंस को जो है बिना वीजा के आने देगा नहीं। यमन भी नहीं है, इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड जो है बहुत सारे पैसा जो है इंडियन से कमाना चाहता है, अपने टूरिज्म सेक्टर को बूम देना चाहता है, बूस्ट करना चाहता है, इसलिए जो है इंडियंस को ये अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ आइए आपको जो है वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप देख पाओगे थाईलैंड, साथ में श्रीलंका ने भी करा है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में श्रीलंका रहता है तो आपको जो है श्रीलंका और थाईलैंड दोनों के साथ जाना है। ऑप्शन देख लीजिएगा आप, थाईलैंड भी सही जवाब होगा और श्रीलंका भी सही जवाब होगा, दोनों आंसर करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा फिलहाल के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया हैज पार्शियली रिज्यूम्ड वीजा सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री फॉलोइंग अ सस्पेंशन रिलेटेड टू, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशन हो गए थे बहुत सारे जो है, बहुत सारे मतभेद दोनों कंट्री के बीच में जो है डिस्प्यूट हो गए थे, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। तो क्या करते हैं, आपके आपके दोस्त के बीच में अगर झगड़ा हो जाए सबसे पहला काम आप करते हो उसे ब्लॉक, ठीक है, दोस्त को तो नहीं किसी और को किया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छी बात है? अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। खैर यहां से देखिए, अब इंडिया ने क्या किया कि वीजा सर्विस जो है कनाडा के साथ बंद कर दिया। इंडिया ने कहा कि कोई भी कनाडा का नागरिक यहाँ नहीं आएगा। कनाडा ने कहा कि भैया इंडियंस को भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े तूतू मैमे के बाद जो है लोग अनब्लॉक कर देते हैं, फिर स्टोरी देखते हैं दिस दैट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कनाडा। कनाडा और इंडिया के बीच में जो है लव हेट का रिलेशन चल रहा है, और ये कब तक चलेगा आई रियली डोंट नो। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, कनाडा के जो है प्रेसिडेंट कौन है? फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कनाडा, ये जो ट्रूडो है, मैं हिंट कर देता हूं, ठीक है, पूरा नाम आप नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनवील द विक्रम वन ऑर्बिट रॉकेट इन अक्टूबर 2023, उस कंपनी का नाम बताना है विक्रम वन, और जो ऑर्बिटल रॉकेट था इसको किस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नहीं है, इसका सही जवाब है स्काई रूट एरो स्पेस। अगर किसी ने चंद्रयान 3 से पहले इसमें पैसे डाले होते ना तो कूट के पैसे कमाए होते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहां से आप देख पाओगे स्काई रूट, ठीक है। चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जो खबर है। अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्ट कुसा, अब आपसे पूछा गया है कि ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले ये जान लीजिए लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम का क्या मतलब होता है। कोई कंट्री अगर भारत पे मिसाइल लॉन्च करता है तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम है, यहां से भी एक मिसाइल जाएगा और इस मिसाइल से टकरा जाएगा और इसे हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा, इसे जो है इंडिया के सॉइल पे उतरने गिरने नहीं दिया जाएगा। ये तो हुई डिफेंस सिस्टम की बात। अब जो है
प्रोजेक्ट कुसा जो है हम लोग कर रहे हैं ये S400 की तरह करेंगे। अब आप पूछोगे कि ये S400 कौन सी वाला का नाम है, तो देखिए रसिया से ये जो S400 है ना ये बहुत बहुत पावरफुल है। S400, 300 और 500 भी रसिया निकाल चुका है। हम लोगों से पहले S400 जो है चाइना को इसने बेच दिया है रसिया ने, हम लोग जो है S500 सबसे पहले लेने वाले बन जाएंगे। ये क्या करेगा, बहुत ही इसका जो है डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इसी तरह से इसराइल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयरन डोम के बारे में। देखिए वो जो है आयरन डोम है वो भी जो है बहुत ही पावरफुल है, वो क्या करता है मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा देता है। ठीक है, तो फिलहाल पूछा गया कौन सी इंस्टीट्यूट, तो यहां से आप देख पाओगे ये देखो DRDO, ठीक है ये क्या है DRDO, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO के साथ जाना। देखिए मैं ना क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता नहीं कितने लोग जवाब देंगे बट कुछ ही लोग होंगे जिनको इनके बारे में आइडिया होगा और क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। HAL का फुल फॉर्म बताइएगा, DRDO का फुल फॉर्म बताना है, LT का फुल फॉर्म और इसरो का, और हो सके तो प्लीज इनके जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर को भी जरूर बताइएगा और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी बताइएगा, क्वेश्चन आपका रिविजन हो जाएगा अगर आप लिखते हो, डेफिनेटली आपका माइंड जो है उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए एक्सरसाइज हरिमू शक्ति 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्री, ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था किन दो कंट्री के बीच में कराया गया था, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। मलेशिया के साथ हम लोगों के रिश्ते खराब हुए थे बट अभी जो है पटरी पे ये वापस लौट चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, मलेशियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में ये होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग इंडियाज GDP, इंडिया के GDP को मापने का जो बेस ईयर है वो कब माना गया है, ये सवाल है आपसे। देखिए अब यहां से इसका आंसर आप देख पाओगे, इसे जो है 2011 और 2012 माना गया है, 2011-12 यानी कि उसमें मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, 11-12 यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 5 आईज, बहुत VVI क्वेश्चन BPSC या फिर जो एग्जाम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल के होने वाले हैं वहां पे ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, आर्मी स्कूल में तो डेफिनेटली हो ही सकता है कि ये पूछा जाए। 5 आईज के बारे में बात करें तो देखिए इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, कनाडा मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम मिलेगा और यूनाइटेड स्टेट मिलेगा, एक कंट्री इसमें मिसिंग है और उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दोनों बहुत ही क्लोज कंट्री हैं, तो ऑब्वियसली जहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखे लगभग जगह पे आपको न्यूजीलैंड भी फ्री में मिलता हुआ मिलेगा, बाय वन गेट वन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आप बोलोगे ये 5 आईज है क्या, तो देखिए इनका काम क्या है ना कि ये लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, यानी कि जासूसी ये पांचों देश जो है एक दूसरे के लिए खेलते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ पता चला तो ये कनाडा को बता देंगे, कनाडा को कुछ पता चला तो ये यूके को बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी बता देंगे और USA को भी पता चल जाएगा, यानी कि पांचों में से किसी को पता चला तो पांचों कंट्री जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और चीजों को शेयर करते हैं। ठीक है, यहां से जो है ये जो है मजबूत बनते हैं। ये पांच कंट्री कौन कौन है फिर से मैं दोहरा देता हूं एक बार, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, US पुट्स सैंक्शन ऑन द 3 companies फॉर द मिसाइल पार्ट्स सप्लाइज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये जो है कंपनीज मिसाइल सप्लाई कर रही थी, उस कंट्री का नाम आपको बताना है जिसके 3 companies को US ने कर दिया है ब्लॉक। अब देखिए सैंक्शन कर दिया, ब्लॉक तो नहीं किया है, सैंक्शन लगा दिया है, तो इसका सही जवाब है चाइनीज। इन चाइनीज कंपनी को जो मिसाइल के पार्ट्स है ना वो पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने कहा बोलो पेंसिल तुम्हारा सैंक्शन होगी, सैंक्शन ये जो सैंक्शन है वो लग गया है, कैंसिल नहीं हुआ है, सैंक्शन लग गया है, मैंने गलत राइमिंग कर दी। ऑप्शन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज कंपनी को इन्होंने बैन कर दिया है, बैन नहीं सैंक्शन लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपसे पूछा गया है कि किस साल सबसे पहले जो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम लगाया गया था, सबसे पहले साल की बात करें तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में श्रीलंका के बीच में ये मैच हो रहा था और यहाँ पे जो है सबसे पहले DRS लगा दिया गया था। अब देखिए सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि कौन से वो खिलाड़ी थे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है वीरेंद्र सहवाग सबसे पहले खिलाड़ी थे जिनको आउट दिया गया था। ठीक है, उनको जो है DRS के द्वारा आउट दिया गया था। अब कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले 2008 में DRS सिस्टम लगाया गया था। ठीक है, अब देखिए ODI में जो है इसका इस्तेमाल कब किया गया था, 2011 में। इसी तरह से T20 में जो है इसे 2017 से अलाउ करना शुरू कर दिया गया और ये बहुत अच्छी तकनीक है ताकि आप जो है इसका जो जो डाउटफुल है डिसीजन है उनको क्लियर कर पाओ।
आगे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोटेंशियल साइक्लोन स्टॉर्म फोर्सिंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में देखिए जो ये पोटेंशियल साइक्लोन आने वाला है, अरेबियन सी में जो साइक्लोन आने वाला है उसके बारे में आपको बताना है, उस जगह का नाम आपको बताना है, उस जो साइक्लोन का नाम है वो आपको बताना है, उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोन तेज इसका नाम रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? साइक्लोन तेज। अरेबियन सी को ये हिट करेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है कौन सा किस जगह पे ये समिट जो है होने वाला है, किस देश में होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है किक्स ऑफ, यानी कि ये कहां पे होने वाला है। तो देखिए इसका सही जवाब आपको यहां से दिखेगा, ये आपको बर्लिन में दिखेगा, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, जो समिट वगैरह होते हैं इससे सवाल तो पूछे ही जाते हैं। एक वीडियो में समिट के ऊपर अलग से लाने की सोच रहा हूँ, एक प्राइज वगैरह पुरस्कार वगैरह सम्मान जिनको मिला है, और बुक के ऊपर भी एक वीडियो आएगी। MCQ फॉर ऑल में अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड्स इट्स फर्स्ट एवर 2+2। देखिए 2+2 में क्या होता है ना कि एक विदेश मंत्री और एक जो डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मिलकर जो है यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिसे बोलचाल की भाषा में विदेश मंत्री कहते हैं, इसी तरह से दोनों जो है यहाँ पे ये जो है आपको जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएसए के वो मिलेंगे, उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बोला जाता है, और यहाँ से जो है आपको ये दिखेंगे, तो ये लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग यूएसए के साथ ये काम कर रहे हैं। इसका सही जवाब देखिए एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसका सही जवाब होना चाहिए यूएसए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वेट, अब देखिए एक्चुअली फोटो यहाँ पे गलत लग गई है, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं फोटो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस की देख रहा था, ये जो है पहली बार, इससे पहले जो है यूएसए के साथ हम लोग कर चुके हैं, लेकिन पहली बार हम लोग कनाडा के साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, यूके के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोग करने वाले हैं। ऋषि सुनक जो है इंडिया भी आने वाले हैं, एक और बात है, दूसरी बात क्या है, ऋषि सुनक इंडिया के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि इंडिया भी जो है सामान वहाँ पे फ्री में बेच सकता है और ब्रिटेन के लोग भी यहाँ पे सामान फ्री में बेच सकते हैं, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिमांडेड दैट द यूएन चीफ रिजाइन, किस कंट्री ने कहा कि यूएन के जो चीफ हैं वो बायस हैं, यानी कि वो जो है किसी एक कंट्री का पक्ष ले रहे हैं, इनको हट जाना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब है इसराइल। इसराइल ने कहा कि ये जो यूएन के चीफ है ना, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इसराइल ने कहा कि इनको जो है रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों रिजाइन कर देना चाहिए? हमास अटैक के ऊपर जो इन्होंने जो कमेंट करा था, इससे जो है इजरायली बहुत नाखुश हो गए थे। अगला सवाल देखिए, इंडियन पीएम हैज डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल डू एवरीथिंग टू गेट द होस्टिंग राइट ऑफ ओलंपिक गेम्स, यानी कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम लोग जी जान लगा देंगे, कोई भी जो है किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, हम लोग चाहते हैं कि ओलंपिक का ये जो एडिशन है वो है 2036 का एडिशन, वो इंडिया में हो, हम लोग जो है कंप्लीटली जो है इससे एग्री कर रहे हैं कि किसी तरह से इंडिया में ये गेम्स हो जाएं। तो देखिए यहाँ से आप देखोगे, इंडिया विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, देखिए एक फ्रेज भी आपको यहाँ से दिखेगा, यानी कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, हम लोग जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ये ओलंपिक को होस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in ODI cricket history? यानी कि ODI यानी कि 50 ओवर के मैच में किस क्रिकेटर ने जो है 300 छक्के कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ODI हिस्ट्री में, इसका नाम क्या है? तो देखिए रविंद्र जडेजा बिल्कुल नहीं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इसका सही जवाब होगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोहित शर्मा 300 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं इंडिया की ओर से, याद रखिएगा इंडिया की तरफ से। हु हैज वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। अब ये कौन है? तो देखिए ईरान में जो है देखिए मॉरल पुलिस होती है, वो महिलाओं को जो है बीच रोड वगैरह में जो है चेक करते रहती है कि कौन किन्होंने बुर्का पहना है और जो इस्लाम है इसे कम्प्लीटली जो है उसके रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं। तो देखिए ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं, इनको अरेस्ट किया गया था और इनको जो है यहाँ पे इनकी फोटो भी देख पाओगे, इन्हीं को जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है, ये ईरान की एक्टिविस्ट है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज ओबीसी, बिहार की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, जो कास्ट सेंसस रिपोर्ट रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 60%, यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से देखिए 63 है, उसे
आई मीन जो अप्रॉक्स में 60% लिया गया है, तो यहाँ से ओबीसी ईबीसी जो है 63% है। एक और बात याद रखिएगा, नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि 70% टोटल जो रिजर्वेशन है, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस और भी जो रिजर्वेशन है एससी एसटी को मिलता है, तो कुल परसेंटेज को ये 75% करने वाले हैं। कौन? बिहार में ये होने वाला है। लेकिन देखिए, ये मसला जो है सीधे सीधे हाईकोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो और भी 2 से 3 बेंच से फिर 5-7 बेंच में भी ये जा सकता है, वहाँ से ये डिसीजन आएगा। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं इस पे क्या होगा। गुर्जर आंदोलन भी हुआ था पहले, पटेल आंदोलन भी हुआ था रिजर्वेशन को लेकर। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन सुनाती है अपना। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री अनवील इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड समरी। इस कंट्री ने अपने ही दम पे जो है इसे बनाया है और उसका नाम हाइकून रखा है। अब सितंबर 2023 की ये घटना है, उस कंट्री का नाम बताना है। नॉर्थ कोरिया है, ताइवान है, साउथ कोरिया है या फिर जापान है? तो यहाँ से आप पहले इसकी जो है इन्फॉर्मेशन देख लो। ताइवान, देखिए ताइवान ने ये बनाया समरी, क्यों? क्योंकि इसको खतरा है किससे? चाइना से। चाइना जो है बार बार बोल रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तो ये समरीन खुद से बना रहा है ताकि चाइना को एक्चुअली ये जो है टक्कर दे पाए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच कंपनी लॉन्च्ड अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया? इंडिया में जो है अगर भूकंप आता है तो इसकी वार्निंग जो है लोगों को दी जाए, ये कौन सी कंपनी है? मेटा यानी कि फेसबुक की मम्मी वाली कंपनी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, स्पेस एक्स ये इलॉन मस्क की कंपनी है, ये भी नहीं करेगी, ये काम करने वाला है गूगल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गूगल जो है। यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA दोनों के साथ जो है मिलकर ये काम करने वाला है, गूगल और NDMA, ठीक है, यहाँ से आप देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका टाइम पीरियड कब था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1939 से 1945, 1939 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध जो है, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए इसमें कौन दो पार्टियां थी। सबसे पहले मैं पार्टी एक की तरफ आपको बताऊं, तो एक तरफ था जर्मनी, ठीक है, नाजी जर्मनी, और यहां पे जो है आपको फासिस्ट इटली भी मिलेगा देखने को, ये दोनों एक तरफ थे। और दूसरे तरफ कौन था? यूएसए था, अमेरिका था, यहां पे यूके आपको देखने को मिलेगा, और यूके जो है इसे लीड भी कर रहा था। इधर जर्मनी लीड कर रहा था, इधर से यूके लीड कर रहा था, ठीक है, और आपको इधर जो जापान भी मिलेगा। आप आश्चर्यजनक हो जाओगे कि अभी जो जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है, इटली डेमोक्रेसी है, जापान में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पहले की स्थिति कुछ और थी, ये आपको जो है तीनों एक जगह पे मिलेंगे, आप जो है सरप्राइज कर सकते हो, ठीक है। ये 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। आगे देखिए, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च द ऑरिक्स रैक्स स्पेस एक्स इन 2016। अब बोलोगे ये 2016 का करंट अफेयर्स नहीं लग रहा है, देखिए लॉन्च इसे 2016 में किया गया था, अब ये वापस धरती पे आ रहा है, ठीक है, ये वापस धरती पे आने वाला है, और इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। नासा के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था, यहाँ से आप देख पाओगे, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उनके द्वारा यहाँ से आप इस मिशन को देख पाओगे। ये फिर से जो है लौटने वाला है, जो 24 सितंबर है ये ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, यहाँ पे जो है हम लोग जो है आविष्कार वगैरह करते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 40, 71, 81 या फिर 89? तो इसका जवाब यहाँ से आप देख पाओगे, इंडिया रिटेन, यानी कि पिछले बार भी हम लोग 40 पोजिशन पे थे, अभी भी हम लोग 40 पोजिशन पे ही हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट परसेंटेज डज रशिया प्लान टू बूस्ट इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 2024? 2024 में रशिया जो है अपने डिफेंस पे, यानी कि अपने रक्षा यंत्र पे या फिर सैनिक पे कुल कितने पैसे, आर्मी पे कितने खर्च करने वाला है? ये ऑब्वियसली स्पेंडिंग करने वाला है, बढ़ाएगा ही, तो कितने परसेंटेज बढ़ाने वाला है? 70, 50, 30 या फिर 100%? तो यहाँ से आप इसका जवाब देख पाओगे, ये जो है 70% जो है टैंक खरीदेंगे, ड्रोन वगैरह खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, बम गोले मिसाइल वगैरह ये खरीदने वाले हैं, यानी कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला है नहीं। अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। विच रेयर मेटल हैज बीन फाउंड इन सेडिमेंट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबाट ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के पास जो है एक सेडिमेंटल सैंपल मिला है, उस रेयर मेटल का नाम आपको बताना है, वो कौन सा मेटल है? लिथियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है या फिर गोल्ड है? तो इसका देखिए वेनेडियम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये बहुत काम का मेटल है, ये जो है बहुत काम का मेटल है। कौन? वेनेडियम। इसके बारे में जो है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो वेनेडियम के बारे में। ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है,
विच कंट्रीज कांग्रेस हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट वुड एबोलिश इनकम टैक्स। अपने यहां से ये इनकम टैक्स हटा रहे हैं, ये देश का नाम आपको बताना है जहां से इनकम टैक्स जो है किसी भी सिटीजन को, नागरिक को देने की जरूरत नहीं है, ब्राजील, कनाडा, चिले या फिर अर्जेंटीना। तो देखिए अर्जेंटीना ना बहुत ही नीचे जा रहा है, अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्थिति है, संदीप भैया वाली वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो आर्थिक स्थिति अर्जेंटीना की सच में खराब हो गई है। अब इनका एक नया तिगड़म है, इनका कहना है देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, पोल्स होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया है, चुनावी दाव पेच लगाया है। भारत में जैसे अभी वो आटा मिल रहा है फ्री में, यहाँ पे इन्होंने कर दिया टैक्स फ्री कर दिया, पूरा कंट्री में कोई भी पैसे कमाओ, किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु वन गोल्ड इन वुमेन्स जेवलिन थ्रो एट एशियन गेम्स 2023। 2023 एशियन गेम्स में महिला की ओर से गोल्ड जीतने वाली महिला का नाम क्या है? अनु रानी। सॉलिड वाला सेट जो है, सॉल्यूट इनको करना बनता है। ये खुद ही नहीं जीती, इनके कारण हजारों लाखों जो लड़कियां हैं उनके सपने को एक पंख लगा है। एक्चुअली अनु रानी के जीतने के बाद बहुत सारी महिलाएं आगे आ सकती है जेवलिन थ्रो में और भी अलग अलग स्पोर्ट्स में, है ना। सिर्फ उनका काम जो है शादी करने का जो नहीं रहने वाला है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां से आप अनु रानी की फोटो भी देख पाओगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ आपको बढ़ना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच फिल्म हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। ऑस्कर 2024 के लिए जो है इंडिया के किस ऑफिशियल एंट्री को रखा गया है, जेलर को, जवान को, या फिर द कश्मीर फाइल, या फिर 2018। तो देखिए 2018 में ना केरला में बाढ़ आई थी, उसी के ऊपर ये बेस्ट मूवी है, मैंने देख रखी है, आप लोग देख लीजिए, प्लीज वॉच इट, एवरी वन इज अ हीरो। ये जो है ऑप्शन सी का सही जवाब होगा। अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा और एक और मूवी सजेस्ट करूंगा, केरला की एक मूवी है, मलयालम मूवी है, हिंदी में डब हो चुकी है ये, यहाँ से जो है आपको इमेज भी दिख रहा होगा। इनकी एक मूवी है मिलन मुरली, ठीक है, एकदम देसी सुपर हीरो वाला, बिल्कुल क्लासिकल मूवी है, कॉस्ट्यूम वगैरह से आपको प्यार हो जाएगा, प्लीज वॉच इट। चलिए अगले बढ़ेंगे, ये खत्म हो चुका है। अब देखिए अगर आप लोगों को और भी करंट अफेयर्स पिछले 3 महीने के चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट करके आप लोगों को जय हिंद लिखना है। सभी लोग जय हिंद लिखेंगे तो एक और वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेड मैं बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।